क्या बोला तुमने? क्या कहा आपने? हाँ, ये सब बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। मैं और सुनील यहाँ यही बोलने आए हैं। हाँ हाँ, अविनाश अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हुआ काफी नहीं था? तुम और राघव हाउस बोट पे आके बदतमीजी करके गए, अब यहाँ किस लिए आए हो? हाथ पे तोड़वाने? ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, समझा? हम यहाँ पर सिर्फ तुम लोगों को ना वार्निंग देने आए। प्रीति जी, ना मुझे कॉल कॉटेज चाहिए और अब ना ये टीम। मुझे तो बस हमारे बच्चों की खुशियां चाहिए। प्रीति जी, इतने दिनों से कुछ ना कुछ कलेश हो रहा है, अब कुछ अच्छा होने जा रहा है। मैं चाहता हूं हम देर ना करें इस बात को। ले तो यही कर लेते ना, आज ही, अभी, और सब यही तो है। नहीं नहीं, बहू ला रहे हैं हम अपने घर पे, दोरानियों की बहू आ रही है, कुछ वक्त तो चाहिए हमें। क्या क्या कल हम शादी कर सकते? पोषा है कल? हाँ माँ, करनी है तो फिर देर किस बात की। शुक्रिया बेटा, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया हमारा। मुझे लगता है हमें ना निकलना चाहिए, और तैयारियां भी तो करनी है। हाँ जी, हाँ जी, चलो चलो जी। उमा जी, पारस, मैं नहीं चाहती कि कॉल परिवार का कोई। भाई दुल्हन ने कह दिया है तो ऐसा ही होगा, कॉल परिवार से कोई नहीं आएगा। हमें भी अब निकलना चाहिए, बहुत सारे काम करने। राघव, तुम पश्मीना से मिलने कब जा रहे हो बच्चे? पश्मीना की शादी है पारस से। पश्मीना की शादी? अब नहीं जा सकता, बहुत देर हो गई। और दादी प्लीज, आपको सूप पीना पड़ेगा वरना कमजोरी आ जाएगी, फिर कॉल कुटीर पाने का क्या फायदा? मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, 20 साल के बाद मेरी आंखें खुली हैं। माँ, कभी कभी लगता है मैं शराबी होता तो। डैड प्लीज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? डैड, आप अगर 20 साल के बाद भी जागे होते ना तो भी हमें इतनी ही खुशी होती, इसलिए इतनी देर नहीं हुई है डैड, बिल्कुल भी नहीं। तू ठीक कह रहा है राघव, अभी इतनी देर नहीं हुई है, ना शराब की लत छोड़ने के लिए, ना अपनी बात बोलने के लिए, ना मदद मांगने के लिए। बिना बताए बिना कुछ कहे चले जाने की आदत बन गई है ना तुम्हारी। क्या बात है, वापस कुछ वो नकली दस्तखत? और क्या क्या इल्जाम लगाने बाकी है मुझ पे? इल्जाम लगाने नहीं आया, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। तब क्या करना है, मतलब तुम मुझे कुछ पैसे वैसे दे के? मदद चाहिए तुम्हारी, तुम्हारी मदद मांगने आया हूं मैं। डैड को लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद लेनी चाहिए, बट इट्स ओके, कल तुम्हारी शादी। शादी का दिन है तो कंग्रेचुलेशंस। सरकास्टिकली नहीं बोल रहा हूं मैं, आई मीन इट, अच्छे मन से बोल रहा हूं। मैं चाहूंगा कि तुम्हारी शादी एकदम खुशहाल हो और तुम्हें दुनिया जहान की खुशियां मिले, तुम्हारा परिवार एक हो। आज सब लोग हैं यहां पर, मामा मामी नाना नानी, मैं खुश हूं तुम्हारे लिए बहुत। आई एम रियली हैप्पी। ओके, तो आई बाय। रुको, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा घर वापस मिले, पर वो दस्तखत मैंने नहीं किए हैं। डैड को भी यही लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया। I mean, उनके नकली दस्तखत हुए हैं। उनके नकली दस्तखत हुए हैं। हैरत तो इस बात की कि उन्हें मेरी बात सच्ची लगी और तुम। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तुम भी समझ जाओगे कि ये सब मैंने कुछ नहीं किया,
तो मेरी मदद करो ना पश्मीना। शादी के बाद तुम्हें लग रहा होगा मैं कितना खुद कर सूं। यहां तुम्हारी शादी हो रही है और मुझे अपने घर की पड़ी है। Forget it. मुझे पता है वो घर सिर्फ तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी नहीं है, दादी अंकल सबके लिए वो घर कितना मायने रखता है मैं जानती हूं। पर जैसे तुम्हें अपना परिवार प्यारा है ना, मुझे भी अपना परिवार प्यारा है। मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकती। पहले भी मेरी मामा को कितना कुछ सुनना पड़ा, कितनी सिल्लतें उठानी पड़ी उन्हें। जब मैंने पारस की शादी का प्रपोजल सबके सामने रिजेक्ट कर दिया, मेरी मामा की तो कोई गलती भी नहीं थी, वो तो मामी ने सबके सामने ये बात फैला दी कि मैं पारस से शादी कर रही हूं। और जब मैंने सच बताया कि क्या मेरी पारस से कभी एंगेजमेंट हुई नहीं थी। तुम्हारी पारस से कभी एंगेजमेंट हुई ही नहीं थी? तुम्हें बताया तो था मैंने, और तुम तो ओह तुम तो जा चुके थे ना। मुझे देखकर हैरान हो गए होंगे आप लोग, है ना। वो क्या है ना, हमारे यहाँ खुशखबरी ना सबसे पहले बड़ों को ही दी जाती है। जी अच्छे काम से आई हूं मैं। कबूतर भेजा है खबर के साथ, खबर ऐसी है कि सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा। वैसे आप लोगों ने तो हमारी फूल सी बच्ची पश्मीना पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए, पर क्या है ना हमारा दिल बहुत बड़ा है। एंजी लीजिए 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 पढ़िए। तुम्हें तो पिट्टू दीदी अपनी बेटी कहती है ना, आयशा बेबी, लो तुम भी पढ़ लो। ये क्या है? क्या हुआ बेटे? शंभुनाथ जी की कृपा से हमारे बेटे पारस की शादी पश्मीना के साथ तय होती है। शादी का स्थल What? How dare you? क्यों जी? अब कुछ गलत लिखा है? शादी का स्थल कोलकुटीर बाग रोड। शादी हमारे घर में? ये कैसे हो सकता है? What nonsense? क्या घटिया मजाक है ये? आप लोग शादी कॉल कुटीर में कर रहे हैं, शर्म आ रही है थोड़ी आपको? अब हम कर ही क्या सकते हैं जी, हम ठहरे लड़की वाले और कैलाश दुरानी बहुत बड़े आदमी हैं जी। अब उनके मन में आ गया तो पानी तो। आप यहाँ क्यों आई है? ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या हुआ? हाँ राघव द सुपरमैन, ये लो। अब बोलो क्या कहना है तुम्हें? अब भी तुम्हें लगता है कि पश्मीना बेकसूर है? अब भी उसे मदद लेनी है? राघव वो शादी कर रही है तुम्हारे घर में। नहीं। मुझे क्या लगता है ना, अब मुझे चलना चाहिए। वैसे आप लोग आना जरूर शादी में, और हाँ नो गिफ्ट ओनली कैश, हैं जी? मैनू लगता है सारे उत्थे इंतजार कर रहे होने। चलो जी चलो वहां चलते। हाँ जी हो गया। मुझे लगा ही नहीं था ये दिन भी आएगा। इस दिन की आस मैंने छोड़ ही दी थी, लेकिन लेकिन ये दिन आ ही गया। अपने दामन पे लगा दाग आज तूने साफ कर दिया पित्तू। आज के बाद जो कोई हमें देखेगा वो बेइज्जती से नहीं बल्कि ये याद रखेगा कि कैलाश दुर्रानी का बेटा हमारा दामाद है। थैंक यू शंभू जी, यही देखना था मुझे। मम्मा को अपनों ने अपना लिया। बेस्ट डे है आज, बेस्ट। आय हाय बस करो, मेकअप शेकअप खराब हो जाना हो नहीं तो। पश्मीना बच्चे तुझे पता है तेरे ससुराल वाले तुझे और पारस को तोहफे में क्या? मम्मी जी
मम्मी जी सरप्राइज सरप्राइज से समझती नहीं है आप। यहाँ आओ फटाफट मेरे पास। सरप्राइज ऐसे नहीं बताया जाता मम्मी जी। तू खुश है? आई लव यू मम्मा। ओ मम्मी जी, तो दीदी और पश्मीना को नहीं पता कि उसकी शादी खोल कुटीर में हो रही है और हम बताना भी नहीं। मुझे पोशाई की नजर उतारनी है। अरे पश्मीना, तुझे कार लेने आ जाएगी 10 मिनट में। हम लोग आगे चले जाएंगे, गेस्टों को भी तो देखना है भाई। है मेरा बच्चा, खुश रहना। आ जाओ भाई, क्या कर रहे हैं सभी? चलो मम्मी जी। खाला, अम्मी, मैं पाशु के साथ आती हूँ। हम लोग चलते, जल्दी आ जाना। पाशु, गाड़ी आ गई है। क्या हुआ पशु? तू श्योर है ना? अब मतलब तू पारस से प्यार नहीं करती है और उसे शादी कर रही है? खाचू, मैंने प्यार करके देख लिया है। प्यार ने बस दिल ही तोड़ा है और ये फैसला मैंने काफी सोच समझ के लिया है। हाले, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तो तेरी नजर उतारनी है। मैं अभी आती हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.